नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का ठीक ठाक असर बिहार की सियासत पर पड़ा है। 5 राज्यों के नतीजे आए और कांग्रेस 4 राज्यों में हार गई, जिसके बाद बिहार में महागठबंधन में दरार साफ दिखाई दे रही है। जेडीयू और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस की हार पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस भी जबरदस्त तरीके से पलटवार कर रही है। क्या जेडीयू और कांग्रेस में सब ठीक है? इस बात को समझने के लिए इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में हम आपको विवाद के मुद्दे क्या क्या है वो भी बताएंगे और अंत में दोनों के रिश्तों का इतिहास भी बताएंगे। सबसे पहले, जैसे ही कांग्रेस की 5 राज्यों में से 4 में जबरदस्त हार हुई, फिर जेडीयू ने तीर छोड़ते हुए कांग्रेस से कह दिया कि क्योंकि नीतीश को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, क्योंकि नीतीश को चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस लेकर नहीं गई, इसलिए कांग्रेस की जबरदस्त हार विधानसभा चुनाव में हुई। जिसके बाद कांग्रेस ने पलटवार किया और क्या कुछ कांग्रेस ने कहा वो जरा सुनिए। कांग्रेस ने कहा कि दूसरी पार्टी कहां चुनाव प्रचार में हर जगह कांग्रेस को लेकर जाती है, जरा ये विवाद देखिए। जिससे कि अगर ममता बनर्जी जाते, नीतीश कुमार जाते, तो ओबीसी, महादलित, दलित के वोटों पे डेंट होता कहीं ना कहीं, अपनी बात को रखते। बाकी जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे वो लोग जाते, वो लोग अपनी बातों को रखते। फोर्सी किए थे वो, कांग्रेस ने अपने बिग ब्रदर एटीट्यूड के चलते लूज कर गए। लूज कौन किया? कांग्रेस किया। अब आप बीजेपी को उसको चाहिएगा कि हम खुद ही कमजोर करें और उसी में ही अपना पूरा प्रतिष्ठा लगा दीजिएगा कि आई एम माई सेल्फ, आई एम कॉम्पिटेंट ऑफ डूइंग दिस एंड यू आर नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ पीपल हु आर रेडी टू हेल्प यू आउट, तो व्हाट कैन वी डू? यहाँ पे कौन किसको लेके जाता है? कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को लेके जाता है क्या? तो उसका सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमारा एक रिजल्ट आया, वो रिजल्ट जैसा आना चाहिए था वो नहीं आया, तो उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए फिर संघर्ष में जाना है तो वो बात करनी चाहिए ना। आप उपहास और मजाक बनाकर नहीं बोल सकते, और जो कारण वो बता रहे हैं वो कारण है ही नहीं। बिहार में क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं, और क्रिकेट की भाषा का इस्तेमाल करके अशोक चौधरी ने कहा कि खराब बल्लेबाज के पास अच्छा बैट भी हो तो वो चौके छक्के नहीं लगा पाएगा, लेकिन अच्छे बल्लेबाज के पास अच्छा बैट आ जाए तो वो लगातार छक्का मार देगा। और अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को बल्लेबाजी का मौका देने की अपील इशारों में कांग्रेस से की, और जिस पर क्रिकेट की ही भाषा में कांग्रेस ने जबरदस्त पलटवार किया। देखिए, कोई बहुत बढ़िया बैट्समैन है और उसके पास बैट ही अच्छा नहीं है तो कितना छक्का मार लेगा? अगर अच्छे बैट्समैन को अच्छा बैट दीजिएगा तो बहुत छक्का मारेगा। He will perform much better. चेहरा है, उन चेहरों में नीतीश जी का चेहरा बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल है, और जब तक कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलिएगा तो घर की बाउंड्री बढ़ेगी कैसे? उसी बाउंड्री में आप चाहते हैं कि सबको एडजस्ट हो। हमको लगता है कि उस बाउंड्री को बढ़ाने की ज़रूरत है कांग्रेस को, और कांग्रेस को एक बिग ब्रदर की रोल में बाकी को एकोमोडेट करके आगे बढ़ने का, तभी कुछ रिजल्ट आ सकता है। ज्ञान ना दिया जाए तो बेहतर रहेगा। ये तो उसी तरह से है ना, जब क्रिकेट को हम लोग देखते रहते हैं और किसी का बॉल मिस कर गया, किसी ने चौका छक्का नहीं लगाया, आउट हो गया, तो जो देखता है उस मैच को बाहर से, वाह ऐसे मार देता तो बड़ा मजा आता, ऐसे हो जाता तो बाहर से बैठ करके आप क्या नज़ारा देख रहे हैं? हम लोग चुनाव में थे, चुनाव को बढ़िया तरीके से लड़ा है, खूब मेहनत से लड़ा गया है, सब हमारे सारे नेता वहाँ फील्ड में थे, सब लोग रहे, हम सब लोग वहाँ रहे, तो हमको अंदाजा है, तो हमको समीक्षा करने दीजिए। आपको कोई राय देनी है तो राय देने का भी मौका ये होता। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से नीतीश को इंडिया गठबंधन में बड़ी भूमिका देने की मांग उठी, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने नीतीश के बीजेपी प्रेम वाले इतिहास की याद जेडीयू को दिला दी। नीतीश कुमार जी में वो सब क्रेडिबिलिटी है एक अच्छे राजनेता का, जो जिनमें पारदर्शिता है, जिनमें शासन का मूल मंत्र है, जिसमें शोषित दलित वंचितों के प्रति संवेदना है, और अपने 18 साल के कार्यकाल में उन्होंने बिहार जैसे राज्य में ये करके दिखाया है। इनका अपना इतिहास बहुत क्या है, हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में मजा आता है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी कंटिन्यूअसली लड़ती है। बता दें कि कांग्रेस और जेडीयू में बात इतनी बिगड़ी कि कांग्रेस नेता को ये कहना पड़ गया कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी तो जेडीयू नहीं बल्कि आरजेडी के साथ गठबंधन में है। राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग गठबंधन में हैं,
लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ ही गई थी ना अपना समर्थन देने के लिए। अब इस पूरे विवाद के जड़ की तरफ जाते हैं। बता दें कि एक वो दौर था जब कांग्रेस और जेडीयू का रिश्ता बेहद खास हुआ करता था और 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू भी ये मानती थी कि उन्होंने हैसियत से ज्यादा सीट कांग्रेस को दिलवाई और जिसका परिणाम पर भी अच्छा खासा असर पड़ा और कांग्रेस को 2015 के विधानसभा चुनाव में ठीक ठाक सीट मिल गई। उसके बाद आगे चलकर नीतीश 2017 में पलटी मारते हैं और तब नीतीश कुमार कांग्रेस को तोड़ भी देते हैं। इसी अशोक चौधरी जो आज कांग्रेस पर हमलावर हैं, वो कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और नीतीश से उनका प्यार उनको इतना प्यारा था कि उन्होंने कांग्रेस को तोड़कर कुछ नेताओं के साथ वो जेडीयू में शामिल हो जाते हैं और नीतीश के बेहद खास बन जाते हैं। तो देखा आपने कि एक वो दौर था जब कांग्रेस के बिहार की कमान अशोक चौधरी के पास थी और नीतीश कांग्रेस को बहुत माना करते थे और हमेशा कांग्रेस को साथ लेकर चलने की कोशिश करते थे, लेकिन जब नीतीश ने अशोक चौधरी की मदद से कांग्रेस को तोड़ दिया तब से कांग्रेस और नीतीश का रिश्ता खराब होने लगा। आरजेडी के कहने पर दोबारा कांग्रेस ने नीतीश पर भरोसा तो जताया। 2022 में आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सत्ता परिवर्तन भी कर दिया, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से मांग उठने लगा कि राहुल नहीं नीतीश को इंडिया गठबंधन की कमान मिलनी चाहिए और नीतीश को इंडिया गठबंधन में भूमिका बड़ी देनी चाहिए, तब से कांग्रेस और जेडीयू के रिश्ते जो है असहज होने शुरू हो गए। रिश्तों में फाइनल दरार तब पड़ी जब राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने के बाद भी नीतीश ने अपने कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से आने वाले मंत्रियों की संख्या नहीं बढ़ाई। बता दें कि राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार नीतीश कुमार से मांग करते रहे कि जो हमारा हिस्सा है दो मिनिस्टर का पद हमें और दीजिए, सवर्ण कोटे से कांग्रेस के दो विधायक जो हैं वो मंत्री बनेंगे, लेकिन नीतीश लगातार कांग्रेस की इस जायज मांग को नकारते रहे और यही बात कांग्रेस को नागवार गुजर रही है। अब हमारे स्वीकार बात को आप इनकार कर रहे हैं, बोलते कि सद्भावना बनी रहे, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए। हम लोग तो हमेशा रिक्वेस्ट के मूड में रहते हैं, उनसे बात भी हुई है, तो कैसे इनकार करते हैं और क्यों इनकार करते हैं? इसको फैसिलिटेट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या दिक्कत है? क्या हम गलत डिमांड कर रहे हैं? या तो कह दिया कि नहीं आपका आधारहीन डिमांड है। और फिर कोई शकील अहमद खान ने तो नहीं मांगा था, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने राहुल गांधी जी खड़गे जी ने मांगा था, सबके सामने कहा था, आपने वादा भी किया था, तब क्या हो गया? तो दुख का कारण तो वो भी है और होता है, क्यों नहीं होगा? तो देखा आपने कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव तो बिहार के बाहर 5 राज्यों में हुए, नतीजे भी उन्हीं राज्यों के लिए आए, लेकिन बिहार में कांग्रेस और जेडीयू में तलवार खिंच गई। बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस और जेडीयू अपना मतभेद बुलाकर 2024 के लोकसभा रण में बीजेपी को हराने के लिए फिर से एक साथ आएंगे या यही दरार धीरे धीरे खाई बन जाएगी और नीतीश फिर पलटी मारेंगे। ये बिहार की सियासत में बड़ा सवाल बना हुआ है। पटना से संवाददाता शशि भूषण के साथ ये रिपोर्ट आप हमारी देख रहे थे। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।